नहीं, मेन मुद्दा है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, हिटलर शाही है। शायद हेमा मालिनी की गाल की तरह रोड है और पहुंचने में जिसमें 20 मिनट लगना चाहिए तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। हम वैसे तो देखो कांग्रेस ही विचारधारा के आदमी है, कांग्रेस विचारधारा को हम एक राष्ट्रीय दल मानते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि इस गांव में आज 20 सालों में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। और वो तापड़ है, उनको ये नहीं पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कौन संभाग कहां पे है। जब चोरी डकैती करेंगे पढ़ लिख के युवा क्या करेंगे, अब बताइए। जब नशा करेंगे तो घर से चोरी करेंगे। मैं अगली बार खुद बीजेपी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन मैं जब से जान गया कि इतना भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई चरम में है, युवाओं का भविष्य नहीं है, इसलिए हम लोग कांग्रेस में आ गए। हम जो राजनीति करते हैं वो जात बात की नहीं करते, हम कांग्रेस में थे, हैं, रहेंगे। एक युवा आपके सामने खड़े हैं, इनकी दुकान है, ये ग्रेजुएट हैं और चाय की दुकान चला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी किस चरम सीमा पे पहुंच गई। जन सैलाब देखते हुए ऐसा मालूम रहा है कि ये सीट जो है हम कांग्रेस पार्टी की झोली में दे रहे हैं, और बड़े उत्साह के साथ ये रहते हैं, सारगर्भी शब्दों में कह रहे हैं। IAS, IPS और ये IIT तक के सपने देखता था, अब यहाँ तो लोग सपना देखना ही भूल गए। यहाँ तो स्कूल की स्थिति ये है कि वहाँ शिक्षक ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चुनावी माहौल है और चुनावी चर्चाएं भी गर्म हैं। ये एक चाय की गुमटी है जो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के बैकुंठपुर बाजार से कुछ ही दूर पूर्व झुतपलहान में स्थित है। यहां पर कुछ लोग स्थित हैं और इन कुछ लोगों से हम यहां के चुनावी माहौल की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि चाय तो गर्म है लेकिन राजनीति कितना गर्म है, और इस गहमा गहमी में कौन ज़्यादा गर्म और किसकी जो लालटेन है वो बुझती हुई नज़र आ रही है। इन सारे मुद्दों की बात करेंगे। सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, हम चाहेंगे इधर थोड़ा सा आप आ जाइए। ये जानना चाहेंगे कि आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो आपने एक लंबा अरसा, राजनैतिक अनुभवों की बात करें, सामाजिक अनुभवों की बात करें, तो सारे अनुभवों को आप ले चुके हैं। इस बार आपका अनुभव किस ओर डोल रहा है और किस ओर भारी है, किस ओर हल्का? सर, बिल्कुल सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है एक उत्साह एवं जन सैलाब उमड़ रहा है, और हमारे प्रत्याशी जो हैं रंगोली बनवासी जी एक सामाजिक आंदोलन के, विंध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता भी माने जाते हैं। तो जन सैलाब देखते हुए ऐसा मालूम रहा है कि ये सीट जो है हम कांग्रेस पार्टी की झोली में दे रहे हैं, और बड़े उत्साह के साथ ये रहते हैं, सारगर्भी शब्दों में कह रहे हैं कि इस क्षेत्र से जनता जो है इस बार ने मन बना लिया है कि हम राम गरीब बनवासी जी को ही अपना उम्मीदवार चुनेंगे, ऐसा जनसैलाब उमड़ रहा है। सन 2003 का चुनाव था, उमा भारती मुख्यमंत्री बनते हैं, कुछ समय के लिए बाबूलाल गौर भी आते हैं, फिर शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित होते हैं। उसके बाद ये लंबा दौर चला, 20 वर्ष हो चुके हैं करीब। बीच में अभी 2018 के चुनाव हुए, 18 महीने के लिए ही कमलनाथ सरकार बनी। कमलनाथ सरकार किसी कारण से गिर गई, कुछ विधायक थे वो भाजपा की झोली में जा गिरे, और अब फिर से 3 साल तक शिवराज सिंह चौहान सरकार में रहे। 20 सालों के बाद प्रदेश की कितनी स्थिति सुधरी है, और इस बार स्थानीय विधायक को लेकर के यहाँ पर नाराजगी है या फिर शिवराज सिंह के चेहरे को लेकर? नहीं, मेन मुद्दा है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, हिटलर शाही है, इस प्रकार के भी मुद्दे हैं। और कुछ देखिए, 18 साल के प्रशासन काल में इनकंबेंसी भी है, अच्छे तरीके से काम भी नहीं किया गया है, दलित शोषित पिछड़े वर्ग को बीच जो उपेक्षित लोग हैं उनको, उन पर फोकस भी नहीं किया गया है, इसलिए नाराजगी तो होती है। आपने हिटलर शाही की बात की, 1975 का दौर भी आपको याद होगा, देश में आपातकाल लगा हुआ था और लोगों को जेल में ठूसा जा रहा था। आज के दौर की जब हम बात करते हैं, उस दौर की कुछ मीसाबंदियों से भी बात करते हैं, और विशेष तौर पर विपक्षी दलों से भी बात करते हैं, तो बात ये समझ में आती है कि वो एक घोषित आपातकाल था, ये अघोषित आपातकाल की तरीके से है। तो आप इसमें कितना सहज पाते हैं खुद को, और इसकी असलियत क्या है, क्योंकि आपने दोनों दौर देखा है।
असलियत ये है कि उस समय का दौर था जो, तो उस समय का दौर जो है कांग्रेस जो थी एक बहुत बड़ी सबल पार्टी थी, उसने अपना रवैया अपनाया है, बड़े बड़े नेताओं को यहाँ की आरएसएस के भी, यहाँ के सबको मीसा मंदी में भी बंद किया गया था है। तो एक ऐसा शासन, सशक्त शासन का उपयोग करते हुए बड़े बड़े नेताओं को जो उसने जेल में ठूंसा, और फिर ड्यूटी फैमिली प्लानिंग का भी मुद्दा उठा, और ऐसे जो मुद्दे उठे हैं, इस मुद्दे के कारण जो है ये स्थिर तो नहीं रह पाया हैं। और फिर लोकतंत्र वापस आया, लोगों ने लोकतंत्र पर विश्वास किया। तो आज का जो दौर है, अब इसका जो दौर चल रहा है 2023 का जो दौर चल रहा विधानसभा चुनाव में, महंगाई भ्रष्टाचार तो ये मुद्दे है ही हैं। असल पर लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार, हर 5 साल में लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकारें आती हैं, तो जो लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकारें जो होती हैं, जब जन सलाहकारों से अपना मुद्दा छोड़ देती हैं हाँ, और दरकिनार करती हैं दलित उपेक्षित शोषित लोगों का हैं, उपेक्षा करती हैं, उनकी बातों को कहीं सुना नहीं जाता है हैं, तो यही तो है सबसे बड़ी तानाशाही। कांग्रेस, हम वैसे तो देखो कांग्रेस ही विचारधारा के आदमी हैं, कांग्रेस विचारधारा को हम एक राष्ट्रीय दल मानते हैं। कांग्रेस ने, विचारधारा ने इस देश में बहुत कुछ दिया है हैं, लड़ाई भी लड़ी है, खून से उसने सींचा भी है, इसलिए हम जो है कांग्रेस विचारधारा को ही लेकर चलते हैं। धर्मनिरपेक्षतावाद की बात भी करती है कांग्रेस, सबके हितों की बात करती है, दलित शोषित उपेक्षकों की पार्टी है वो, कुछ है एंटी इनकम्बेंसी के कारण जरूर वो हो गई है। और एक बात है कि जो दौर आया था, अभी आपने चर्चा किया कि कमलनाथ की सरकार जो है 15 महीनों बाद गिर गई थी, तो यही तो कह रहे हैं हैं, इस बार भी तो नहीं गिर जाएगी, इस बार तो भारी सपोर्ट के साथ हम आ रहे हैं भाई हाँ, 150 सीट से हैं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है, इस बार ऐसा कुछ नहीं है हैं, बहुत मजबूती के साथ कमलनाथ सरकार चलेगी हाँ। ये चुनावी दावा है या फिर आपके पके हुए बालों का जो अनुभव है वो बता रहा है? वो हम अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, और जनता का जो सैलाब है महोदय हैं, जनता उत्साहित है, परिवर्तन की ओर जा रही है हैं, सत्ता के विरुद्ध है जनता, और कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती के साथ स्थापित कर रही है मध्य प्रदेश में, इसलिए इस बार तो ये है कि ऐसी बातें नहीं होगी तोड़फोड़ की राजनीति इस बार नहीं टूटेगी कांग्रेस। एक युवा है आप, युवाओं के लिए रोजगार एक अहम मुद्दा है, चाहे बात कांग्रेस की सरकार की हो चाहे बीजेपी की सरकार की हो, जो भी सरकार आएगी उसे युवाओं के रोजगार की बात करनी पड़ेगी, और अगर रोजगार मुहैया नहीं करवाए जाएंगे तो उस दशा में निश्चित तौर पर युवाओं का विरोध उसे झेलना पड़ता है, आप क्या कहते हैं? इस बार तो जितने भी युवा हैं बेरोजगारी से पढ़ लिख के उसके बाद सब त्रस्त हैं, जैसे पटवारी अभी भर्ती हुई थी उसमें 15-15 जो टापर हैं वो 15 लाख खुद दे के बता रही हैं कि मैंने 15 लाख दिया तब जाके मैं पास हुआ, और वो टापर है उनको ये नहीं पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कौन संभाग कहाँ पे है, तो ये तो आप सोच लीजिए खुद ही। ये तो बात आप पेंसिलिन की खोज की तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार युवा हूँ, मैं देख रहा हूँ देश का क्या हो रहा है, युवा एकदम बेरोजगार है पूरा, और पढ़ लिख के उसके बाद फिर पूरा, अब जब नौकरी जॉब नहीं मिलेगी तो नशा कर रहा है, और नशा करेगा तो आप भी जानते हैं देश का क्या भविष्य होगा। एक तरफ बात कर रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे नहीं है, बेरोजगार है, दूसरी तरफ नशा कर रहा है, तो नशे के लिए पैसे मुहैया कहाँ से कराए जाते, मिलते कहाँ से भाई, ये बड़ा सवाल जब है। जब चोरी डकैती करेंगे पढ़ लिख के युवा क्या करेंगे अब बताइए, जब नशा करेंगे तो घर से चोरी करेंगे, चोरी करेंगे फिर धीरे धीरे देश ही लूटेंगे, क्या करेंगे अब नशा लग जाएगी तो समाधान क्या है, समाधान भी दे दीजिए, समाधान है रोजगार चाहिए, और रोजगार कौन दे रहा है, जो अब इसको 15-20 साल से देख रहे हैं
अब इनका सत्ता परिवर्तन करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अगर देती है अपने वादे पे, नहीं देती है तो पुनः इनको पलट देंगे, जो देगा उसी के साथ हैं हम लोग। सीधी सी बात यह है कि मौका देंगे, मौका नहीं मिलेगा आपको तो अगली बार फिर उनको भी मौका देंगे। जैसे इसको बीजेपी को इस बार सत्ता परिवर्तन होता है, ऐसे कांग्रेस का भी हो जाएगा अगर वो नहीं कर। जैसे इसमें इस बार कांग्रेस का अच्छा है पढ़ो पढ़ाओ योजना, पहली से पांचवी तक के लड़कों को 500 रुपये और 6 से 8 तक के लड़कों को 1000 रुपये, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वालों को 1500 रुपये है। तो ये सबसे अच्छा है। महंगाई है तो गैस सिलेंडर जो 500 रुपये है इनसे, और OBC आरक्षण है जो 14% था वो 27% हो गया। मैं क्योंकि मैं OBC से हूँ इसलिए ये है, जातिगत जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है OBC के लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे कि देश में हमारी आबादी कितनी है तो सरकार हमें प्रतिनिधित्व कितना दे, हमें अभी नहीं आकलन है। इसलिए प्रदेश में 27% आरक्षण जो है कमलनाथ जी के द्वारा दिया गया था, किसी कारणवश जो है वर्तमान में वो स्थगित है। तो इस चीज़ को लेकर किस नज़रिए से देखते हैं, और OBC वोटर विशेष तौर पर हम OBC वर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो किस हद तक इस बात से प्रभावित है और सरकार बनाने या बिगाड़ने में कितना है? देश की आधी आबादी OBC की है, और OBC जिधर जाएगा वही सत्ता पे राज करेगा। और इस समय लगातार माननीय राहुल गांधी जी OBC की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए लगातार जो पिछड़ा वर्ग है पूरा जा रहा कांग्रेस की तरफ। आधी आबादी है, सत्ता परिवर्तन किसको बनाना है OBC को पता है अच्छे से। आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। क्या ये सही कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सिरमौर क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की हम बात करते हैं जब, तो पलायन एक समस्या देखने को मिलती है। यहाँ के लोग सूरत, बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद, कई सारे शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए। क्या कारण है कि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं है? और दूसरा सवाल हम संभावनाओं से जुड़ा पूछेंगे, क्या यहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर रोजगार के साधन डेवलप किए जा सके, उद्योग बनाए जा सके, जो है कारखाने डाले जा सके? देखिए, यहाँ जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं अगर वो यहाँ ध्यान दे दे तो यहाँ बहुत सारे अवसर यहाँ के लोगों को मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। अपने यहाँ जंगल है जो तेंदूपत्ता का अच्छा निर्माण होता है यहाँ, तो उसके अगर चाहे तो यहाँ उसका अच्छा खासा हो। यहाँ कॉलेज नहीं है, कॉलेज हमारे बैकुंठपुर में 10x10 में 2 कमरे के खुला है। यहाँ एक तरीके से देखा जाए 10 साल में जो भी हुआ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पेपर में हुआ है। लेकिन कॉलेज की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉलेज में पिछले 10 वर्षों में 2 नवीन कॉलेजों का गठन किया गया, जैसे नष्टगवा में एक कॉलेज बनाया गया और दूसरा बैकुंठपुर में अभी घोषणा की गई। तीसरी चीज़ ITI की घोषणा की गई जो निर्माणाधीन है और शायद आगामी सत्र से पूर्ण रूपेण चलने लगेंगे। तो इसे कितना सकारात्मक मानते हैं या फिर कितनी अभी और चल रही है? देखिए, आप बैकुंठपुर में खड़े हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर में आप जाएंगे कॉलेज देख लेंगे किस तरह का वो कॉलेज है। सिर्फ बोर्ड लगा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं और कुछ नहीं है। टिकट दिया यहाँ पर, सम्मान देने का काम किया सर, समाज की एक तरफ कह रहे हैं कि नेता बनाने की फैक्ट्री है और फिर उस फैक्ट्री में ही जो है उस दल के लिए नेता नहीं है। नहीं, सुनिए, उत्पादन की बात नहीं है, बात ये है कि माननीय सरोज कोल एक जमीनी आदमी है, एक नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी। भैया लाल कोल एक गरीब आदमी है, उनको हमारी पार्टी ने टिकट दिया है, मान सम्मान देने का काम किया है। ये मजबूरी में कांग्रेस पार्टी को एक आदिवासी को टिकट दिया गया है जी। मजबूरी में BD पांडे जी को भी टिकट दिया गया क्या? भाई साहब मैं सर्व समाज की बात करता हूँ, सब समाज को हमारा समाज यही तो बता रहे हैं सर जी। इस बार पूरा सत्ता परिवर्तन, पिछला बार कम से कम 80% राम गरीब बनवासी जी के साथ है। आपका दावा? मेरा दावा है सब पिछड़ा हो लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी और जर्नल सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में एक तरफा जीत रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी। मतलब रहे हैं कि कांग्रेस लड़ाई में है तो ये भाजपा 10 सालों से यहाँ क्षेत्र में है, लेकिन उसके बाद फिर जो है तो इतना विरोध क्यों? अभी भी आप कांग्रेस को ही दूसरे नंबर पर ला रहे हैं? कांग्रेस का दूसरा नंबर पर ही रहेंगे, लड़ाई में ही नहीं ये दोनों रहेंगे, और BJP का तो वो पीछे रहेगा। आपके मनगमा में क्या हाल है? मनगमा में हमारी भारी बहुमत से माननीय रमार शाह के जी विधायक बनने जा रहे हैं। पंचूलाल जी ने पर्चा भरा था, भी पर्चा वापस खींच लिया, क्या कारण किया? तो उतना तो प्रीति वर्मा ले लेगी कांग्रेस का। तो भाजपा को नुकसान पहुंचेगा अभी कि नहीं? भरपूर
भाजपा को रहेगा और उसको भी रहेगा, कांग्रेस को भी रहेगा। आपकी चाय की दुकान है ये, है ना? अच्छा, आपकी है जी। तो चाय की दुकान पे आजकल और पान की दुकान पे सबसे ज्यादा राजनीति होती है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा होती है। कहते हैं कि देश की पूरी राजनीति जो है चाय की चर्चा पे तब्दील हो चुकी है। क्या लगता है, क्या माहौल है, कैसे लोग यहाँ पर बात करते हैं? हालांकि आपने अभी कांग्रेस के पक्ष की बात करी है, लेकिन हम जो है तब जनता के पक्ष की बात आपसे जानेंगे। मैं अगली बार खुद बीजेपी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन मैं जब से जान गया कि इतना भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई चरम में है, युवाओं का भविष्य नहीं है, इसलिए हम लोग कांग्रेस में आ गए। और अगर ये विकास में अगर जितने वादे किए हैं अगर पूरा नहीं करते हैं तो इनको भी पलट देंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। जो जो काम करेगा वही देश में राज करेगा, चाहे जो हो। और मैं लगातार देख रहा हूँ सिरमौर विधानसभा से कि लगभग सभी लोग बोलते हैं सत्ता परिवर्तन की वजह से, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे भारी बहुमत से जीत रही है। और लगभग बीजेपी का जो संगठन है RSS, जहाँ तक ये हवा फैला रहे हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर में रहेंगे, बीडी पांडे जी तीसरे में रहेंगे, क्योंकि उनका कोई संगठन नहीं, सिर्फ जात विशेष का बहुत मिल रहा है। मतलब अभी जो दावा हुआ वो दावा नहीं, क्योंकि सिर्फ उनको जात विशेष का मिल रहा, बस हो गए जात विशेष के अलावा। और कांग्रेस पार्टी में सभी दल सभी वर्ग दे रहा वोट, और जितने भी हमारे प्रत्याशी थे 7-8 लोग जो तैयारी कर रहे थे वो जोरों से प्रचार कर रहे हैं, दिखावा नहीं, सिर्फ दिल तल मन धन से। युवा हैं, क्या हुआ रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए क्या हुआ है यहाँ पर? वैसे तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है अपने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में। तो बैकुंठपुर में क्या काम हुई है जानना? बैकुंठपुर में कागजी कार्रवाई हुई तो है, तहसील, कॉलेज, सब कुछ बन रहा है। तो समय तो लगेगा ना, आखिर आज कागजों में है, कल जो तो जमीन पे भी होगा। नहीं तो एक कमरे में अब कॉलेज खुलता है, बनेगा, वही तो हम कह रहे हैं। नहीं तो उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए था ना फिर। अच्छा, भाई बनने जब तक बनना नहीं चाहिए था तब तक जाए, तब तक स्टार्ट नहीं करना चाहिए थे। आप क्या माहौल देख? कांग्रेस, BSP और BJP की क्या स्थिति? दूसरे या तीसरे नंबर। आपकी दुकान पे जो है तो पीछे पर्चा भी कांग्रेस का लगा है, कार्यकर्ता है क्या? मेरी है, भैया जी उमेश पांडे जी हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, वो खुद बताएंगे आपको यहाँ की क्या। हम जो राजनीति करते हैं वो जात बात की नहीं करते, हम कांग्रेस में थे, हैं, रहेंगे, कार्यकर्ता हैं कुल मिलाकर, पद में नहीं है कोई जी। सब दिन थे, कभी BJP को वोट नहीं दिए न कभी बहुजन को देंगे। हाँ, इससे तो कार्यकर्ता है तो कांग्रेस की ही बात। मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं सिद्धांतवादी हूँ, कांग्रेस को वोट दिया हूँ, देता रहूँगा। कौन से ऐसे सिद्धांत है जिसकी वजह से आप कांग्रेस की तरफ? सबको लेकर चलती है BJP है जो, तो वो कहीं इधर बगलाएगी कहीं उधर बगलाएगी। BD पांडे का क्या है, आज आए कल चले जाएंगे, परसों दूसरे से ले लेंगे, उनका क्या है, हम भी पांडे हैं। हाँ, अच्छा आप भी पांडे हैं। हम कांग्रेस को खुला वोट करेंगे, कोई उसमें जी। अंत में जो है तो आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे हम, अभी जो भी चर्चा हुई, एक युवा भी थे वहाँ पर, बातचीत हुई कि जो तो कौन कहाँ मजबूत है, आप किसे मजबूत हैं? देखिए, मैं पहले से भी बताया आपको कि यहाँ सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक युवा आपके सामने खड़े हैं, इनकी दुकान है, ये ग्रेजुएट हैं और चाय की दुकान चला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी किस चरम सीमा पर पहुँच गई है। और जनता में एक आक्रोश है और हर कोई परिवर्तन चाहता है। आप अभी सिरमौर जैसे बरदहा नीचे उतरेंगे और अगर आपको डभौरा जाना हो तो आप रोड की स्थिति आप देख सकते हैं कि शायद हेमा मालिनी की गाल की तरह रोड है, और पहुंचने में जिसमें 20 मिनट लगना चाहिए तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। तो परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन कहा तो जाता है कि जब 2003 में दिग्विजय जी की सरकार थी सिरमौर से रीवा जाने में 3 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट लगते हैं, तो विकास तो हुआ। देखिए 2003 स्थिति आप देख सकते हैं कि शायद हेमा मालिनी की गाल की तरह रोड है, और पहुंचने में जिसमें 20 मिनट लगना चाहिए तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। तो परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन कहा तो जाता है कि जब 2003 में दिग्विजय जी की सरकार थी सिरमौर से रीवा जाने में 3 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट लगते हैं, तो विकास तो हुआ। देखिए 2003 में और 2023 में 20 साल का अंतर है,
अब 20 साल में महंगाई किस स्तर तक पहुंची और जो शासन सत्ता करने वाले लोग हैं किस तरह से जनता से लूटा है। तो एक रोड बना देने से विकास नहीं होता। जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी इस तरह, जैसे मान लीजिए कि ये पिपरी ग्राम में आप खड़े हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस गांव में आज 20 सालों में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। जब एक गरीब परिवार के व्यक्ति या बच्चे को नौकरी मिलती थी तो उसका एक परिवार पूरा खिल जाता था, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो उठ जाती थी, उसकी नींव मजबूत हो जाती थी, क्योंकि जब वो खुद नौकरी पाके अपने बच्चों को भी पढ़ाता था। और अगर मान लीजिए वो वर्ग दो में नौकरी करता है तो वो अपने बच्चे को वर्ग एक में ले जाता था और वही अपने बच्चे को IAS IPS और ये IIT तक के सपने देखता था। अब यहाँ तो लोग सपना देखना ही भूल गए। यहाँ तो स्कूल की स्थिति ये है कि वहाँ शिक्षक ही नहीं है, और जो शिक्षक हैं सरकार ने उनकी ड्यूटी लगा रखी है पोलियो में, जनगणना में। मतलब मैं समझता हूँ कि शिक्षकों को शिक्षा के तरफ कम भार दे के सरकारी कामों में ज़्यादा दौड़ाया जाता है। मेरे भी परिवार के लोग शिक्षक हैं, तो आए दिन वो कागज़ लेके और कागजी कार्रवाई बाबू वाला काम करते हैं। आज जो सरकारी शिक्षक है वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहा है, वो बाबूगिरी कर रहा है। सूखा पड़ जाए तो उसकी ड्यूटी, सरकारी कोई नेता आ जाए तो उसकी ड्यूटी, तो पढ़ाएगा कब? तो शिक्षक को बिल्कुल अलग रखना चाहिए सरकार को, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़े। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं यहीं से सिरमौर से पढ़ के विदेश तक गया और मैंने नौकरी छोड़ी और आज अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जो सर्व वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम करता हूँ। मैं भी सिमरिया से दावेदार था, ठीक है, पार्टी ने हमें जो शीर्ष नेतृत्व ने काम दिया हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। पर देखिए, जो विकास की बात करते हैं और जो घोषणा की बात करते हैं, तो घोषणा कर देने से विकास नहीं होता है। गांव के इतने सारे लोग, कोई संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्ट कैसे करेंगे? भाई काम अगर आपने किया है तो बताने की क्या ज़रूरत है, वो तो दिखता है ना भाई। यहाँ सब युवा ही खड़े हैं, किसी के परिवार से पूछ लीजिए नौकरी मिली हो, किसी के भी परिवार में, यहाँ तक कि रिश्तेदारी में भी पूछ लीजिए, किसी को शासकीय नौकरी नहीं मिली। अब तो टोटल कंसल्टेंसी का ज़माना है। अगर ये नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट, 10,000 तनख्वाह है तो इनको 8,000 ही मिलेगा, 2,000 तो दलाल खा लेता है। तो ये जो सिस्टम आया है कंसल्टेंसी का, ये भाजपा सरकार ने लाया और भाजपा सरकार ने दलाल पैदा किए सबसे ज़्यादा। इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा, इसकी वजह से नशा बढ़ा, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी और इसकी वजह से समस्याएं बढ़ती गई। तो ये थे सिरमौर के कुछ लोग जो सिरमौर की ज़मीनी हकीकत हमारे सामने रख रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि इन चुनावों के बाद जो भी जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे, चाहे वो जिस दल से हो, जिस सरकार में उनकी हिस्सेदारी हो, लेकिन सिरमौर के विकास के लिए, सिरमौर की जनता के हित के लिए वो काम करें, ताकि सिरमौर वास्तव में एक विकासात्मक सिरमौर बन सके, विकास का सिरमौर के रूप में परिणत हो सके। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं अनुपम अनूप, नमस्कार, धन्यवाद।